यहां से एक क्या बोलते मोमेंट देना चाहते हैं। संघर्ष के साथ किया और करते करते पिछले 3-4 साल से लगातार प्रयास है, बीच में कोविड भी आया, बहुत सारे लोग सिस्टम से बाहर हो गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हौसला नहीं हारा, वो लगातार लगे रहे। उस संघर्ष के बाद भी उन्होंने दोबारा से रॉयल्टी को किया और न केवल रॉयल्टी दी बल्कि उस रॉयल्टी के साथ उन्होंने 8 रॉयल्टी को लगातार 3 महीने किया, टेक्निकल क्वालिफाई किया। ऐसे शानदार संघर्षशील लीडर हमारे बीच में है। हम चाहते हैं एक बार सर से जो नाम उनको आशीर्वाद दिलवाएं। आप लोगों की जोरदार तालियां, माला राजेश जी, आप लोगों की जोरदार तालियां और जोरदार म्यूजिक के बीच आई इनवाइट मिस्टर विजेंद्र काकरे, प्लीज ऑन द स्टेज। एक लंबे संघर्ष के बाद वापस से इतने आए मुस्कुराते हुए चेहरों को देख रहा हूं
तो खुशी कुछ और ही है। चैलेंजेस कितने भी बड़े आ जाए लेकिन सफलता को कोई रोक नहीं सकता, आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता किसी को। और इस वक्त का हम 2 साल से इंतजार कर रहे थे कि कभी कभी तो वक्त बदलेगा थोड़ा बहुत और हम आपस में मिलेंगे, और आज वो वक्त आया। और हरियाणा में इतने लंबे समय बाद आया और जींद से शुरुआत हुई, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी का लगातार फॉलो किया, कुछ इको वगैरह हो तो बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो इको अगर हो तो। शर्मा जी का स्पेशली धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और आप लोगों ने इतना प्यार दिया। बहुत कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा कितने लोगों का हाथ खड़ा कीजिए जो जिंदगी में बहुत कुछ नहीं करना चाहते। थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा क्योंकि मैं कब क्या बोल जाऊं मुझे भी नहीं पता होता। तो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सबके ख्वाब में सबके सपने हैं, एक लाइफ स्टाइल में बदलाव चाहते हैं, और आज हम उसी पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से ये बिजनेस एक आम आदमी को खास बनाता है और खास बना के महान बना देता है। क्या बोला मैं, ये बिजनेस किस तरीके से एक आम आदमी को खास बनाता है और खास बना के महान बना देता है, लेकिन वो तभी संभव होता है जब हम इस बिजनेस को अपने दिल की गहराइयों में उतारते हैं, महसूस करते हैं, इस बिजनेस को ढंग से समझते हैं कि बिजनेस क्या है, किस तरीके से परिवर्तन लाता है, उस सब डिस्कशन करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते तो बताना चाहता हूँ। नाम रवि ओपी शर्मा है, ओपी शर्मा मेरे पिताजी का नाम है, राजस्थान जयपुर से, और इस बिजनेस को पिछले 8-9 साल से मैं सीख रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 8-9 साल से मैं सीख रहा हूँ, लेकिन ये बिजनेस सन 2000 में मेरी फैमिली में आया था। कब आया था? 2000। जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, और जो लोग जानते थे बिलीव नहीं करते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि जब भी परिवर्तन आता है हम उसको शक की निगाहों से देखते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, एक आम इंसान की प्रवृत्ति है कि जब भी कोई परिवर्तन आता है हम उसको शक की निगाहों से देखते हैं, और जब वो परिवर्तन इतिहास बना देता है तो हम उसके पीछे पीछे दौड़ना चालू करते हैं। और यह हर फील्ड में होता है। सिमिलर थॉट मेरे बिजनेस से मेरी फैमिली में आया था, तो वही बात थी कि लोगों ने शक की निगाहों से देखा, लेकिन मेरे फादर ने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था उनको समझ में आ गया था कि बिजनेस क्या है, उनको एक बिजनेस समझ में आ गया था कि बिजनेस क्या है, और उन्होंने शुरुआत करी। और 2000 से लगातार आज तक हम इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे इंसान को जिंदगी में परिवर्तित करता है वो डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले जिंदगी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी लाइफ क्या है, हम किस वे में जा रहे हैं। क्योंकि मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, समय बहुत ज्यादा हो गया है, ज्यादा समय मैं फालतू की बात वैसे भी कम नहीं करता हूं, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि बेसिकली बिजनेस क्या है और हमें क्यों करना चाहिए वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो, समझना चाहिए, समझना चाहिए। आप सब जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं, बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े ख्वाब है, सबको लंबी लंबी गाड़ियां चाहिए, सबके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, सबके पास अच्छी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, जिंदगी खूबसूरत चलनी चाहिए, सपने पूरे होने जरूरी है। ड्रीम जो मर चुके हैं समय के साथ, वो सपने जिंदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सब चीजें हम देखते हैं हमारी जिंदगी में। देखिए मैं हमेशा एक बात बोला करता हूं, महसूस करिएगा कि हम हमारी जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है। जब हम छोटे थे हमारे सपने बहुत बड़े बड़े थे, एग्री करते हैं? आप जब छोटे थे तो आप में से कई लोगों के सपने होंगे, एक दिन मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, मैं शानदार जिंदगी जीऊंगा। लेकिन जैसे हम जिंदगी के सपने छोटी सी उम्र में बड़े बड़े सपने हैं, और जैसी उम्र में हम बड़े बड़े होते जाते हैं सपने छोटे छोटे होते चले जाते हैं, और कुछ समय बाद तो सपने क्यों होता है सर? जवान तो कोई रहता ही नहीं है, बुढ़े तो सबको होना, मैं भी होना है, मैं तो चालू भी हो गया है जी। पैसा किसके पास होता है? इतिहास कह रहा है कि जितने भी मिलियनेयर हैं सब सड़क पर थे। मैंने सबसे ज्यादा एक मजदूर करता है, करोड़पति है क्या?
स्मार्ट वर्क नहीं करते। स्मार्ट वर्क क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है? स्मार्ट वर्क सर काम को मतलब और ज्यादा नए तरीके से नई ऊर्जा के साथ करना और कम समय में ज्यादा काम करना। कैसे होता है वो तो मैं जानना चाहता हूँ। आपने तो बातों को तो समझा दिया, लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में कैसा ये संभव है क्या? देखिए मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल जिंदगी में संभव है? शरीर की वजह दिमाग से ज्यादा काम लेना। मैंने आपसे क्या बोला, हम लेते हैं क्या? आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया, हम सबने सुन लिया, पर प्रैक्टिकल बात क्या हमें सुनने की नहीं आ रही? प्रैक्टिकल बात क्या आ रही है, हम लेते हैं क्या? बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेंगे, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन इसको प्रैक्टिकल जिंदगी में हम एक्सेप्ट करते हैं लेते हैं क्या, ये सबसे बड़ी चीज है समझने वाली। मुझे मौका मिल जाता तो मैं भी अमिताभ बच्चन बन जाता। मुझे मौका मिल जाता तो मैं ये कर जाता, वो कर जाता, इतिहास बना देता, फाड़ देता, लेकिन बना क्या? हमने उस चीज की खोज करी कि हम हमारी जिंदगी के अंदर जिस मुकाम पर जाना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाते। इट मीन्स की उम्र बढ़ती चली जाती है, सपने छोटे चले होते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि सपने पूरे खत्म हो जाते हैं, हम मई के मई। हेलो, चलिए अब दूसरी बात पॉइंट पे बात करते हैं। तीन चीजें हमें परिवार में सिखाई जाती है जो बरसों से करते आ रहे हैं सारे के सारे लोग। जैसा कि अभी सुनील जी ने बोला था कि जब नौकरी नहीं मिलती तो खेती करता है, एग्जैक्ट अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये बात बोली, नौकरी खेती और ट्रेडिशन विद्या व्यवसाय, ये तीन ऑप्शन हम सबके पास अवेलेबल है। और ये ऑप्शन हमें कहां से मिले? हमारे पूर्वजों से, परिवार से। गौर करने वाली बात यहां पर यह है दोस्तों कि ये तीन ऑप्शन, एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बड़े बड़े लोग भी बैठे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, नौकरी पेशा भी और बेरोजगार भी है, लेडीज भी और जेंट्स भी और बच्चे भी है, सब है। मैं सबको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझना, और समझ में आए तो आंसर देना, नहीं आए तो सोचना घर पर जाके कि हम किस ट्रैक पर जिंदगी जी रहे हैं। अगर मेरे पिताजी नौकरी करते थे तो मुझे क्या सिखाएंगे? नौकरी। मेरे पिताजी खेती करते थे तो मुझे क्या सिखाएंगे? फर्क हो सकता है कि भैया तू थोड़ी अच्छी क्वालिटी की खेती कर ले या तू एक अच्छा ऑफिसर बन जा, पर सिखाएंगे क्या? सेम पैटर्न। yes. अगर मेरे पिताजी की परचूने की दुकान है या फैक्ट्री है तो मुझे क्या सिखाया जाएगा? वही काम सिखाया जाएगा। अब मुझे एक आंसर दो, सभी बुद्धिजीवी लोग यहां पर बैठे हो, ये तीन काम हमें वर्षों से हमारे पूर्वजों से मिली। पैतृक प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, पैतृक प्रॉपर्टी जो बाप दादाओं से प्रॉपर्टी मिली है उसकी बात नहीं कर रहा। ये तीन काम हमें बरसों से हमारे बाप दादाओं से मिले, इन तीन कामों को करते करते हमारे बाप दादा करोड़पति नहीं बन सके, अरबपति नहीं बन सके, तो हम बन जाएंगे क्या? तो कैसे बनेंगे? तो कैसे बनेंगे? मैं आरसी की बात ही नहीं कर रहा, बाद में करेंगे, अभी तो मैं आपके दिमाग को खोल रहा हूं, मैं कारण दे रहा हूं आपको आश्रम करने का, वो रीजन दे रहा हूं और प्रूफ के साथ दे रहा हूं, प्रैक्टिकल दे रहा हूं। कैसे बनेंगे सर? वो करना नहीं चाहते, और कोई आता है बदलाव करने के तो सबसे पहले शक्ति निगाहों से देखा जाता है। कैसे परिवर्तन आएगा सर लाइफ के अंदर? पूरी जिंदगी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं सर, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी करते हैं, नौकरी के अंदर पूरी जिंदगी लगा देते हैं, सैलरी होती है नौकरी के एंड में, अपनी लाइफ के एंड में 1,00,000 रुपया महीना, 50 साल नौकरी करने के बाद 1,00,000 रुपए में पहुंचता है, और जब रिटायर होता है तो बैंक बैलेंस ऑफिस से जीरो हो जाता है, क्योंकि लोन बढ़ते बढ़ते कमर टूट जाती है। शायद वो गाड़ी का हो, बच्चों की फीस का हो। हेलो, व्यवसाय करने के लिए पैसा चाहिए तो लोन लेना पड़ता है, और लोन चुकाते चुकाते जिंदगी में फिर कमर टूट जाती है, और कोरोना जैसे वायरस
कोरोना जैसे वायरस आ जाते हैं तो धंधे चौपट हो जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं, नौकरियां चली जाती हैं, व्यवसाय खत्म हो जाते हैं, खेतियां खत्म हो रही है, खेतें नहीं चल पा रहे ढंग से, खेती के अंदर भी चैलेंजेस बनते चले जा रहे हैं, जिंदगी में चैलेंजेस बनते चले जा रहे हैं। और ये कहानी मेरी अकेले की नहीं, आपकी अकेले की नहीं है, हमारे परिवार की है, हिंदुस्तान की है। अब मुझे बताइए कि इन तीन कार्यों से अगर हमारी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आ पा रहा है तो चौथा ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि हम आम आदमी से खास बन जाए, खास से महान बन जाए। अगर आप लोगों के पास कोई रास्ता हो तो हमें बता दो, और नहीं है तो हमारी सुन लो। आपके पास कोई रास्ता है तो नहीं तो रास्ता मारी सुना दिया दोस्तों, बातें मैं क्यों कर रहा हूं, मैं देखिए आपके दिमाग में सबसे पहले वो थ्योरी, वो थॉट डालने का प्रयास कर रहा हूं। मैं इसलिए डालने का प्रयास कर रहा हूं कि आप आज घर पर जाके सोचें कि हम किस ट्रैक पर हैं और हम हमारे बच्चों को क्या ट्रैक पे ले जा रहे हैं। जिन कामों से हमारे पूर्वज और हम ही करोड़पति अरबपति नहीं बन सके और वही काम हम हमारी आने वाली जनरेशन को सिखा रहे हैं तो वो कैसे बड़े बन जाएंगे। सिमिलर थॉट मेरे परिवार में था। बोर तो नहीं हो रहे हैं? थोड़ा कीजिए ईमानदारी से, कितने लोग जो बोर नहीं हो रहे हैं? आप समझदार हो गए कितने। सिमिलर थॉट मेरी फैमिली में था। इस बिजनेस में मेरे फादर ने इस बिजनेस को चालू किया। बड़ी मैं थोड़ी स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ जिससे कि आप थोड़ा मोटिवेट हो। बहुत गरीब परिवार से हम लोग निकले हैं। मेरे दादाजी ने लाइफ में बहुत संघर्ष किया। हमारे पास खेत खलिया जमीन जायदाद कुछ भी नहीं था। मेरे दादाजी मजदूरी का काम किया करते थे राजस्थान के अंदर। मजदूरी करते करते उन्होंने अपने पांच बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट करवाई और वो पांच बच्चों में से मेरे पिताजी भी थे। हमारे पास घर का खर्चा चलाने का पैसा नहीं होता था तो मेरे फादर छोटी सी उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं, आप में से कई लोग जानते हो, कचोरी की दुकान में जाके कचोरी समोसे का काम स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमारे घर की हैसियत इतनी नहीं थी। कचोरी बेच बेच के मेरे फादर ने अपना स्कूल और कॉलेज कंप्लीट किया। चूंकि घर के अंदर बिजली नहीं हुआ करती थी, 10x10 के कमरे में मेरा पूरा परिवार किराए पे रहा करता था। हैसियत इतनी नहीं होती थी कि दो वक्त की रोटी भी खा ले, क्योंकि एक मजदूर की औकात क्या होती है आप सब अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। संघर्ष करते गए मेरे फादर ने छोटी सी उम्र में संघर्ष चालू किया और संघर्ष करते करते राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जॉइंट डायरेक्टर बन गए, इक्विवेलेंट टू IAS ऑफिसर। सन 2000 में मेरे फादर की एक अच्छी सरकारी जॉब थी। यहाँ पर गौर करने वाली बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक मजदूर का बेटा आज एक ऑफिसर बन गया, इतनी बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। एक मजदूर का बेटा आज एक ऑफिसर बन गया। 25,000 रुपया मेरे फादर को मिला करते थे सन 2000 में। कौन सी ईयर में? 2000। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला मिल चुका था, लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो चुकी थी। आज मजदूर का जो बेटा था जो मजदूरी कर करके एक ऑफिसर बन गया और 25,000 रुपया महीना वो 2000 में कमा रहा है। सरकारी गाड़ी उसको मिल चुकी, सरकारी बंगला उसको मिल चुका, जिंदगी पूरी परिवर्तित हो चुकी थी। और मैं समझता हूं कि जब एक आम आदमी इस लेवल पर आ जाता है, कौन से लेवल पर? गरीबी से निकलकर वो एक लेवल पर आ जाता है और जहां पर उसके सपने पूरे होने स्टार्ट हो जाते हैं। सपने कौन से? छोटा सा मकान बना लिया, छोटी सी गाड़ी खरीद ली, बच्चों की स्कूल की फीस जा रही है, अच्छी शादी कर ली, टेंशन नहीं है, बैंक के अंदर अकाउंट में 25-50,000 रुपया पड़ा हुआ है। यहां पर आके हिंदुस्तान का 80% आदमी सेटिस्फाई हो जाता है। होता नहीं होता? आपके यहाँ पे हरियाणा में ऐसा होता होगा? होता नहीं होता? तो सरकारी लोग बैठे हैं जो नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, होता है ना सर? ऐसा चाल चीज जाती है चाल। आई एम ऑफिसर, महीने का 50,000 कमा रहा हूँ, 1,00,000 रुपया कमा रहा हूँ, मेरे पास सरकारी कैबिन है, मैं सरकारी दफ्तर में बैठता हूँ, मेरे से बात करनी तो सोच समझ के करना, तेरे जैसे 50 आते हैं तेरी औकात क्या है मेरे सामने? मच्छर नहीं गए? हेलो, ऐसा होता नहीं होता? हिंदुस्तान का 80% आदमी जो नौकरी पेशा, नौकरी की बात करता हूं, इसलिए अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि वो अपने आप को एक लेवल पर लाके या लेवल पर आके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। हेलो, सिमिलर थॉट मेरे फादर के साथ थे। 25,000 रुपया मिलना स्टार्ट हो गया, लाइफ शानदार चल रही थी, जिंदगी में कोई नया बदलाव करने की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत पड़ी आरसीएल बनने की?
नहीं सोचोगे नुकसान करते ही करोगे। मेरा तो नहीं करोगे, मेरा तो हो गया बेड़ा। सोता भी रहना तो ये आता हुआ नहीं रुके। क्या जरूरत पड़ गई थी? मैं गौर करने वाली बात है दोस्तों, यहां पे जितने यंगस्टर बैठे हैं, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, समझना इस बात को। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, और जिस दिन आप अपने आप को सेटिस्फाई करना बंद कर देंगे उस दिन आपकी प्रोग्रेस भी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों, कभी भी अपने आप को किसी भी लेवल पर सेटिस्फाई मत करना। सिमिलर थॉट मेरे फादर का था, 25,000 सैलरी मिल रही थी, जिंदगी बहुत अच्छी थी, कोई जरूरत नहीं थी उनको आरसीएम करने की। उसके बावजूद भी मेरे पिताजी जब भी ऑफिस से आते थे एक बात बोला करते थे कि मुझे तो जिंदगी में इससे भी आगे करना है, बहुत बड़ा करना है। मेरी मदर पूछा करती थी इससे बड़ा क्या है, 25,000 रुपया कम है क्या, वो भी 2,000 में। आज से कैलकुलेट करूं तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए सैलरी बनती है। Yes. सरकारी गाड़ी, सरकारी बिगला, उस समय मिल गया, क्या जरूरत है इससे बड़ा करने की। तो एक बात मेरी गौर से सुनिएगा, वो बात मेरे कानों में पड़ी थी और मुझे आज भी याद है। मेरे फादर ने उस समय मेरी मदर को एक बात बोली थी, और वो बात ये बोली थी, उसको डायरी में नोट कीजिएगा, अगर वो पी शर्मा आपकी जिंदगी की शुरुआत कचोरी बेच के 25,000 महीना कमा सकता है, तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। जिंदगी की शुरुआत कचोरी बेच के 25,000 पर आ सकता हूं, इट मीन्स मैं 25 लाख भी कमा सकता हूं, मतलब मुझे मेरी क्वालिटी का पता लग गया। और हमारे में से यहां पर मैक्सिमम लोग जो बैठे हैं 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, सोचना बंद कर देते हैं, 1.5 लाख पर पहुंचते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं साथ ही जाना है क्या जिंदगी के अंदर। और यही हमारे कारण है कि हमें से मैक्सिमम लोग वही के वही रह जाते हैं। तो सबसे पहला काम, अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को ब्रेक कर दीजिए। अगर आपने अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को ब्रेक कर दिया और अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिए, तो आप आने वाले समय के स्टार बन जाएंगे, और यही चीज आप अपनी जनरेशन और अपनी फैमिली को सिखा पाएंगे। तो सबसे पहला काम अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को ब्रेक करना कि यस, अगर आज मैं महीने का 25,000 कमा रहा हूं तो मैं महीने का 2.5 लाख भी कमा सकता हूं, अगर मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूं तो मैं 5 लाख भी कमा सकता हूं, अगर मैं महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा हूं तो मैं 10 लाख भी कमा सकता हूं। ये कमिटमेंट आज अपने आपसे कर लेना। हेलो, कर सकते हैं कमिटमेंट? पता है कमिटमेंट को करने के बाद तरीका क्या है? तो तरीका बदलने का एक ही दोस्तों, आपको कमिटमेंट करना है, और वो है ये कंसेप्ट जिसका नाम आरसीएम बिजनेस है। मेरे फादर को मौका नहीं मिला कि वो कैसे 25 लाख तक पहुंचे, उसी समय ये बिजनेस उनकी जिंदगी में आया जिसका नाम आरसीएम बिजनेस है। थोड़ा बताना चाहूंगा, जब ये बिजनेस मेरी फैमिली में आया था उस समय कंपनी का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट नहीं थे, एग्जाम्पल नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पिकअप सेंटर नहीं थे, डिपो नहीं थे, लोगों के सामने लाने के लिए एग्जाम्पल नहीं थे, कुछ भी नहीं था जब उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। एक चीज थी, वो थी आरसीएम में सिर्फ एक कपड़े का पैंट पीस आया करता था, और दूसरा जो मेरे फादर के पास